बैकी लिंच को पड़ा शील्ड पावर बॉम्ब, रोमन रेंज ने किया हमला इलायस पर, ब्रॉन स्टोमन की हुई पिटाई, लेकिन कैसे देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू को पहले कोई चीज़ बता दो, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा है क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, बाजू में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, मेरी कोई भी वीडियो मिस मत करिए। आज शो की शुरुआत में हमें देखने को मिलता है मिस टीवी, जिस पर स्पेशल गेस्ट होते हैं बिग डॉग रोमन रेंज। उसके अंदर हमें रोमन रेंज का डिस्कशन देखने को मिलता है। उसके बाद हमें शेरो मैक आते हुए नजर आते हैं और वो अनाउंस कर देते हैं एक टैग टीम मैच रोमन रेंज और मिज एक टीम में, और सामने के ओपोनेंट होंगे इलायस और बॉबी लैशली। तो गाइस ये मैच काफ़ी अच्छी तरह से चल रहा होता है, लेकिन शेन मैकमैन आकर अटैक करने की वजह से यह मैच बीच में बंद हो जाता है और तीनों मिलकर अटैक करते हैं रोमन रेंज के ऊपर। लेकिन उसके बाद ही द मिज आते हैं और स्टील चेयर मार देते हैं बॉबी लैशली और इलायस को, और वहाँ से शेनो मैक रघु चक्कर हो जाता है। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है अपोलो क्रूल्स वर्सेस मोजो राउली के बीच एक सिंगल्स मैच। इस मैच में गाइस ये होता है कि अपोलो क्रूल्स को पैर में थोड़ी सी चोट लग जाती है, पर उसकी वजह से एडवांटेज ले लेते हैं मोजो राउली और जीत जाते हैं ये मैच। के बाद हमें ब्रॉन स्टोमन और शेनो मैक और शेमी जेन हमें बैक स्टेज देखने को मिलते हैं, पर उसी के दौरान ये मैच तय हो जाती है कि फॉल्स काउट एनीवेयर मैच देखने को मिलेगा ब्रॉन स्टोमन वर्सेस द मिस के बीच में। तो नेक्स्ट हमें देखने के लिए मिलता है कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होती है रॉ और स्मैकडाउन वीमेन चैंपियनशिप के लिए। तो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होने के ठीक बाद लिसी इवेंस और शार्लिन फ्लेयर एक पावर बॉम्ब लगा देती है टेबल पर बैकी लिंच को। दरअसल ये पावर बॉम्ब था शील्ड पावर बॉम्ब के जैसा बिल्कुल। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है बैरन कॉर्बन वर्सेस रिकोशिएट के बीच मैच। तो ये मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है, लेकिन इस मैच में जीत हासिल कर लेते हैं बैरन कॉर्बन। नेक्स्ट हमें फेटल फोर वे मैच देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर होती है नियोमी, नतालिया, डेना ब्रुक और एलेक्सा ब्लिस, लेकिन एलेक्सा ब्लिस को रिप्लेस कर देती है निक्की ग्रॉस। यानी कि हमें बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिला था, तभी निक्की ग्रॉस कहती कि मुझे तुम्हारे जगह पर जाने दो, तो एलेक्सा ब्लिस हाँ कर देती है और उसके वजह से एलेक्सा ब्लिस रिप्लेस कर देती है निक्की ग्रॉस को अपनी जगह पर। तो आज ये मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन इस मैच में जीत हासिल कर लेती है निक्की ग्रॉस और वहाँ पर एलेक्सा ब्लिस को मोमेंटम मिल जाता है। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं सेमी मेन इवेंट। हमें देखने के लिए मिलता है सीजारो वर्सेस रेमी स्टूडियो के बीच एक सिंगल्स मैच। तो गाइस ये मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन इस मैच में रेमी स्टूडियो रोप्स के वहाँ पर होते हैं, लेकिन सीजारो वहाँ पर रेमी स्टूडियो को 6-1 लाइन देने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से बच जाते हैं रेमी स्टूडियो और वो 6-1 लाइन लगाकर जीत जाते हैं सीजारो से मैच। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है ब्रे वाइट का फेयरली फन हाउस वाला वही सेगमेंट, जिसके अंदर ब्रे वाइट रिवील कर देते हैं अपना फेस, जो कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। वो फेस काफ़ी डरावना नज़र आ रहा है, आपको कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। तो इस शो का मेन इवेंट हमें देखने को मिलता है ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस सेमी जेन के बीच फॉल्स काउट एनीवेयर मैच। तो आज ये मैच काफ़ी एंटरटेनिंग था, क्योंकि दोनों भी सुपरस्टार चले गए थे बैक स्टेज, लेकिन बैक स्टेज क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। इन दोनों के मैच के दौरान बैक स्टेज ड्रू मैकइंटायर अटैक कर देते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन को और एक DDT भी लगा देते हैं स्टील चेयर पर ड्रू मैकइंटायर ब्रॉन स्ट्रोमन को, लेकिन कहीं ना कहीं से बच जाते हैं ब्रॉन स्टोमन और अटैक करते हैं ड्रू मैकइंटायर को। उसके बाद सेमी जेन फिर से रिंग की तरफ जाने लगते हैं, उसी वक्त बैरन कॉर्बन और ड्रू मैकइंटायर उन पर अटैक कर देते हैं। ड्रू मैकइंटायर और बैरन कॉर्बन उन्हें लैडर के ऊपर मार देते हैं, उसके बाद ड्रू मैकइंटायर उन्हें क्लेमोर क्लिक लगा देते हैं और बैरन कॉर्बन सेमी जेन को उठाकर पिन कर देते हैं ब्रॉन स्टोमन को। उसी तरह से जीत होती है सेमी जेन की, लेकिन ब्रॉन स्टोमन उठकर चॉक स्लैम लगा देते हैं सेमी जेन को टेबल पर। तो बस आज की वीडियो यही तक थी। अगर कोई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को नीचे लाइक किए बिना, तो कई मजे साथ ही साथ अपने चैनल तो सब्सक्राइब किया होगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। आप तक के लिए इतना ही, गुड बाय, टेक केयर।